पहले भी इस सदन में कह चुका हूं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं है। देश सिर्फ सेना, पुलिस के जवान, जनगण मन, वंदे मातरम नहीं है। देश रिश्तों से बनता है सर, और आपने रिश्तों को रिसा दिया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मुल्क रिश्तों से बनता है, आपने कितने रिश्ते खत्म कर दिए। अरे सरकारें पुल बनाने के लिए लाई जाती हैं, चाहे नदियों पर पुल हो या रिश्तों का पुल हो, आपने तो पुल के बदले दीवारें खड़ी कर दी, वो भी कटीली। सीएए का आंदोलन हुआ, नागरिकों को नागरिक के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब तो कमाल है, मैं तो आपके समाजशास्त्र के ज्ञान से भी चकित हूं कि जिस दिल्ली पुलिस के जवान को आप किसान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस का सोशल प्रोफाइल देख लीजिए। इन इलाकों से, जिन इलाकों में यह आंदोलन ज्यादा प्रबल है, वहां का एक बच्चा सरहद पे रहता है, एक बच्चा पुलिस में रहता है और एक बच्चा खेत में रहता है। आप इन बच्चों को वो जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे, आपने उन्हें भिरा दिया। कहीं तो सोचिए, विराम दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, अवतार सिंह पाश की एक कविता कहूंगा, यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर जिंदा होने, जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हांक के सिवा कोई शब्द ना हो। आपको सिर्फ हां चाहिए आंख की पुतली में, चाहे वो कितनों भी अश्लील हो, पाश कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, और मन बदकार पलों के समक्ष हमेशा झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है, देश को अपनी सुरक्षा से खतरा नहीं। ये फर्क आपको समझना होगा। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का प्रयोग मैं, आपने किसान को लेकर के जितनी बातें कही उस पर, उन बिलों के बारे में पहले मैं बोल चुका हूं पिछले सत्र में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिहार में एमएसपी 2006 में खत्म की गई। बिहार के किसान की आय के बारे में आपको मैं आंकड़ा दूं उचित नहीं होगा, आपके पास आंकड़ों का भंडार है, आप तो आंकड़े तैयार कर लेते हैं, बल्कि कभी कभी पका भी लेते हैं प्रेशर कुकर में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप बिहार के मॉडल को, हम तो सोच रहे थे कि बिहार को, अभी की सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, बीती कई सरकारों ने बिहार को लेबर सप्लाई का स्टेट बना के रख दिया है। हमारा काम है मजदूर भेजना पूरे देश में, और हमने कोरोना के काल में वो सब देखा। हम तो सोच रहे थे कि हमारे बिहार का किसान, हालांकि किसान नहीं रहा वो, खेतीहर मजदूर हो गया, हम सोच रहे थे कि उन्हें भी पंजाब हरियाणा की तरह। सर आपने क्या किया, वो मॉडल आप चाह रहे हैं पंजाब हरियाणा में बिहार की तरह हालात हो जाए। कभी कभी मुझे इस बात का अंदेशा होता है कि संसद का भी वर्ग चरित्र बदल गया है। अभी संसद में किसान और किसानी समाज से आने वाले लोग अगर होते, आप इतनी आसानी से बुलडोज नहीं कर पाते। मेरे स्वयं के नेता, कई मसले ऐसे आए, लालू प्रसाद जी, उन्होंने यह तय किया, और आपके भी लोग थे, आप उनको भूल चुके हैं, जिन लोगों ने खड़ा होकर के कहा कि यह हम नहीं होने देंगे। सर अभी भी आपकी रीढ़ किसान और किसानी ही है। ये जो 303 का आंकड़ा आ रहा है ना सर, किसी के कोल्ड स्टोरेज से नहीं आ रहा है, किसी के गोडाउन से नहीं आ रहा है। 303 के आंकड़े को एक बार सर, और मैं इससे पहले कि जय हिंद कहूं, मैं माननीय सभापति महोदय अभी भी हाथ जोड़ के सरकार से आग्रह करूंगा, इतिहास में से क्षण आते हैं जब आप दुविधा में होते हैं, प्लीज आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आप दर्द समझिए किसानों का। सर पूस की सर्द रातों में, माघ की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता, पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिए गए। सर इस तरह के पोजीशन, इस तरह का अग्रेसिव पोस्चर हमने तो अपने कुछ पड़ोसी मुल्कों के लिए भी नहीं सुना जो अंदर तक आ गए। सर लाल आंखें वहां होनी चाहिए, कहां हम आंखें लाल कर रहे हैं। ये किसान आपके हैं, ये किसान मेरे हैं, अगर एक दिन इन्होंने हड़ताल कर दी, एक दिन तय कर लिया कुछ नहीं, सर संसद बंद हो जाएगी, सरकारें बंद हो जाएंगी, क्या होगा पता नहीं। इससे पहले कि मैं कहूं जय जवान, जय किसान और जय हिंद, माननीय सभापति महोदय, मैं
एक बस सर एक मिनट का और वह दीजिए, 30-30 सेकंड, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन आज इतनी सारी चीजें थी। कई लोग इसमें हेरोल लास्की को प्रयोग करते हैं, कहते हैं, कोट करते हैं, उन्होंने कहा था कि लिबर्टी के मसले पर यू नीड टू फाइंड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टाइम एंड अगेन, दैट्स द टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, बट वी हैव फेल्ड। किसानों को ही हमने फेल नहीं किया है। और आखिरी सर इजाजत हो तो तरन्नुम में, नहीं तो यूं ही, मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जेल जिंदा जेल, जुल्म की बात को जहल की रात को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। थैंक यू सर, जय जवान जय किसान।